हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, फाइनली आईडीबीआई ने असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव का जो ऑनलाइन मेंस का एग्जामिनेशन है उसके जो एडमिट कार्ड है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स ने भी असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर्म को फिलअप किया था वो देख लें कि कैसे इसके एडमिट कार्ड को फ़ोन से डाउनलोड करना है। पूरी प्रोसेस मैं आपको फ़ोन से बताऊँगा कि फ़ोन से ही कैसे आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात का आप यहां पे ध्यान दें कि जो आपके प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के एडमिट कार्ड डिक्लेयर किए थे आईडीबीआई बैंक ने कुछ दिन पहले, तो इसके एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है पीईटी ट्रेनिंग के लिए या फिर पीईटी क्या है जो आपको बेसिक सी कंफ्यूजन है, तो वो मैंने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर रखा है अच्छे से कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कौन कौन से स्टूडेंट्स लगा सकते हैं और कैसे इसके भी एडमिट कार्ड को फोन से कैसे डाउनलोड करना है, वो मैंने अच्छे से वीडियो में बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि कैसे असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के एडमिट कार्ड को फोन से डाउनलोड करना है और क्या इनकी एग्जाम की डेट्स रहेंगी वो भी मैं आपको यहां पे बताऊंगा और किस फॉर्मेट में आपका जो पेपर है असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के लिए आएगा वो भी मैं कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपके लिए सबसे पहले नए अपडेट्स चैनल पर लेके आते रहता हूं, जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा नए अपडेटेड वीडियो से अपडेट रहे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका आईडीबीआई बैंक एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होगा वो होगा 16 मई 2019 तक और इसके एडमिट कार्ड आप अभी से लेके 16 मई 2019 तक डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका किस फॉर्मेट में आपका पेपर आएगा। तो जैसा कि आप यहां पर नीचे देख सकते हैं, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगा 16 मई 2019 में, तीन सेक्शन आपके इसके अंडर रहेंगी। टोटल क्वेश्चन हर सेक्शन से 50-50 आएंगे और टोटल क्वेश्चन आपके 150 रहेंगे। एक नंबर का आपका एक क्वेश्चन यहां पे रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स यहां पे 150 ही रहेंगे। अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 उसके मार्क्स बन जाएंगे। उसके बाद जो ड्यूरेशन आपको मिलेगी इस टेस्ट में वो आपको मिलेगी 1.5 घंटा, यानी कि 19 मिनट्स आपको यहां पर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो आप क्लियरली यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 1/4 0.25 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी जो आपका एग्जीक्यूटिव का ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगा 16 मई 2019 को। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, जो आपका एक क्वेश्चन सही भी है वो भी आपका नेगेटिव मार्किंग से गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस बात का आप खास ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर के लिए जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया था वो देख लें यहाँ पे कि 17 मई 2019 को आपका मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस फॉर्मेट में आपका मेंस का एग्जामिनेशन रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट जो आपका कंडक्ट होगा 17 मई को, इसमें आपकी 4 सेक्शन रहेंगी। आपकी ऊपर वाली लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज 40-40 क्वेश्चन इन 2 सेक्शन से आएंगे और डाटा एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन, उसके बाद जर्नल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें करंट अफेयर्स भी आपके आ जाएंगे। ये दोनों आपकी सेक्शन 60-60 मार्क्स की रहेंगी और हर क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन 200 हो जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो आपका पेपर रहेगा वो रहेगा 200 नंबर का। 2 घंटे आपको यहां पे दिए जाएंगे इस सारे पेपर को करने के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो फ्रेंड्स, असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी यहां पे सेम नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/4, यानी कि 0.25। यहां भी आपकी गलत क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये था जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी डेट्स को आपका एग्जीक्यूटिव का और असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम कंडक्ट होगा और किस फॉर्मेट में आपका जो ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसके एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल के क्रोम ब्राउजर में यहां पे चले जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज यहां पे ओपन होकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे असिस्टेंट मैनेजर में ए में लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन हैंड आउट इन इंग्लिश, यानी कि जो मैंने अभी फॉर्मेट खोला था उसमें किस तरीके का पेपर, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको यहां से उसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। हिंदी में जाते हैं तो हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश में जाते हैं तो इंग्लिश में मिल जाएगी। उसके बाद एग्जीक्यूटिव के लिए ऐसे ही मिल जाएगी, इंग्लिश के लिए भी और हिंदी के लिए भी। वहां पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं ऑनलाइन टेस्ट। मैं एक बार दिखा भी देता हूं आपको यहां पे। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन, यानी कि ये फॉर्मेट आपका क्वेश्चन का रहेगा, हर सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे ही एग्जीक्यूटिव की भी वो वाली पीडीएफ रहेगी जो मैंने पहले खोली। तो आप यहां से अगर आपने एग्जीक्यूटिव में फॉर्म फिलअप किया तो आप यहां से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लें, वहां से देख लें कि कौन सा क्वेश्चन
कितने मार्क्स का कौन से सेक्शन से आएगा वो पूरा वहां पे दिया हुआ है, यहां से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लें। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि असिस्टेंट मैनेजर के एडमिट कार्ड अभी यहां पे लिंक तो इन्होंने दे दिया लेकिन अभी इसकी डाउनलोडिंग शुरू नहीं हुई है, तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव के जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोडिंग होना शुरू हो गया। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि कैसे आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, असिस्टेंट मैनेजर को भी ऐसे ही डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड को जैसे मैं आपको एग्जीक्यूटिव के बताऊंगा जब असिस्टेंट मैनेजर के एडमिट कार्ड डिक्लेयर होंगे, कल या परसों तक डिक्लेयर हो जाएंगे, आप यहाँ पे अपडेट रहना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आपको करना कैसे। तो यहाँ पे कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मोबाइल में ये नहीं खोलेगा, आपको यहाँ पे इसको डेस्कटॉप सेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दें कि गूगल के क्रोम ब्राउजर में आप ये सारे प्रोसेस करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए कॉल लेटर डाउनलोड विल स्टार्ट सून, कल या परसों तक इसके कॉल लेटर डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे जो आपका एग्जाम 17 मई 2019 को कंडक्ट होगा। तो आप यहाँ पे देख लें कि एग्जीक्यूटिव को मैं कैसे आपको दिखाऊंगा डाउनलोड करना, सिमिलरली आपको असिस्टेंट मैनेजर के भी वैसे ही करने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव का दिखा देता हूँ। तो एग्जीक्यूटिव के लिए आपको यहाँ पे कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्लिक करना है, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे डेस्कटॉप सेट करनी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहां पे एग्जीक्यूटिव के लिए ऑनलाइन जो कॉल लेटर है जो आपका एग्जाम जो है वो 16 मई 2019 को कंडक्ट होगा और 16 मई 2019 तक ही आप इसके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अब यहां पे डाउनलोड करना कैसे है, सबसे पहले आपको यहां पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म जब फिलअप किया था तब आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वो आपको यहां पे डालना है। उसके बाद पासवर्ड में आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे सही से कैप्चर डाल के यहाँ पे कर देंगे लॉगिन। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए जो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा ऑनलाइन 16 मई को। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं फिर कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नीचे जाएंगे फॉरगेट पासवर्ड में। तो फॉरगेट पासवर्ड में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी मेल आईडी देनी है जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम दी थी। तो यहाँ पे मेल आईडी डालने के बाद सबमिट कर देंगे, आपकी मेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी और पासवर्ड भी आपका सक्सेसफुली आ जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ से डायरेक्टली आपका एग्जीक्यूटिव के लिए एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ही आपको असिस्टेंट मैनेजर का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, फोन से ही कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि गूगल के क्रोम ब्राउजर से आप इसको डाउनलोड करेंगे और यहां से डेस्कटॉप साइड पे जाएंगे। तो जैसे आपकी डेस्कटॉप पे यानी कि लैपटॉप पे आपकी वेबसाइट ओपन होती है वैसे ही यहां पे भी आपकी ओपन होकर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स जिन स्टूडेंट्स ने इसके फॉर्म को फिलअप किया हुआ है वो अभी प्रेपरेशन कर रहे हैं तो देख लें वो कि फॉर्मेट में जैसे कि मैंने बताया कि कौन से सेक्शन से कितने नंबर का पेपर आएगा या फिर आगे कौन सी स्टेजें रहेंगी वो मैंने पहले से वीडियो डिस्कस कर रखा है, वो वीडियो आप देख लें, और कौन सी सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी आप पीडीएफ फाइल में देख लें। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट पूरा कि मैंने आपको जो बताया कि कैसे असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है जिसका एग्जाम जो है एग्जीक्यूटिव का 16 मई 2019 को और असिस्टेंट मैनेजर का 17 मई 2019 को रहेगा। तो मैं एक आपको यहां पे खास बात मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स फिजिकली हैंडीकैप है यानी कि दिव्यांग जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहां पे एग्जाम करने के लिए एक घंटे में 20 मिनट ज्यादा दिए जाएंगे, यानी कि एग्जीक्यूटिव में उनको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जो नॉर्मल कैंडिडेट्स होंगे, और ऐसे ही असिस्टेंट में भी आपको 20-20 मिनट यानी कि 2 घंटे प्लस आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि उनको आप यहाँ पे अपने डिसेबिलिटी की रिजर्वेशन लेने के लिए उनको ये वाला फॉर्म जो है वो सबमिट कराना पड़ेगा जब वो एग्जाम देने के लिए जाएंगे। वहाँ पे एडमिट कार्ड के साथ आपको ये वाला फॉर्म भी अटैच करना है, ये पूरा फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे लिखना है कि कितनी आपकी जो डिसेबिलिटी है कितनी परसेंट है, यहाँ पे इन्होंने जो एलिजिबिलिटी रखी है डिसेबिलिटी की वो आपकी यहाँ पे कम से कम 40% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आपको 20 मिनट एक घंटे में जो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा एक घंटे में 20 मिनट ज़्यादा दिए जाएंगे नॉर्मल कैंडिडेट से। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट पूरा जो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर के बारे में बताया कि कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपकमिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी नई अपडेटेड वीडियो से अपडेट रहें। फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स।